रहे ना जी, ये ब्रिज का हालत बचपन से देख रहे हम, आपके तो नहीं है। नहीं, बारिश है तो यही हाल है, यहाँ वाले यही मरना, वहाँ वाले वही मरना। नहीं सर, अभी भी रात में इंटीमेशन दे दिया, सामान वगैरह वो अंदर ऐसी छह रखे हुआ, खाली बाहर खाली करो घर बोलकर इंटीमेशन देते हैं। इंटीमेशन देते भाई, तुम लोग भी एक अर्जी दो कोर्ट से, कोर्ट के मुखांतर जाओ, ऐसे आप बर्दाश्त ही का हद हो गया सर। आप कोर्ट के थ्रू तो पंचनामा कॉपी नहीं दे रहे सर, ऐसे है यहाँ पे। ठीक है, आपका जो भी है हमारे को पहुँचा दीजिए, मैं भी उसके बारे में क्यों भाई कि इतना सालों से कई को आप तकलीफ दे रहे बोल के, हम भी इसके बारे में आपका आवाज हम उठाएंगे पक्का। जो पॉलिटिकल पावर रखते जब उनको ऐसा सताते बोले तो एक गरीब आदमी का क्या हाल होगा सर। एक्स मिनिस्टर साहब भी आकर घर को सर्वे कर कर गए, सर्वे करके गए, तहसीलदार साहब भी आए। साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं भी आया स्टैंड देना ये सब जरूरत नहीं है हमको, हमको एक ही बार ये होता नहीं होता बोले तो इधर बैठने वाले हम रोड के ऊपर बैठ के सबका आवाम का जो भी फैसला है उसके साथ हम रहेंगे। मैं पहले भी आया सो हूँ, लारी का स्ट्राइक के टाइम में भी फैक्ट्री वाले करे तो उनको भी न्याय मिला, आप देख रहे। और खेता को भी मैं आया, मैं आने के बाद उनको भी न्याय मिला, और हमारा संघर्ष जारी रहेगा आपके लिए। हमारा जब तक हम यहाँ पर है आपका दुख और तकलीफ में हम है, हम बातों का बात करके जाने वाले नहीं है। हम भी एक आप में से एक बन के हम शक्ति दे के आपका पूरा मलखेड़ ग्राम को या उधर वाले रहेंदे किधर वाले गाँव में किधर भी चलो हम आएंगे, लेकिन सबको न्याय दिलाने में मैं पूरा मेरे तरफ से कोशिश करता हूँ, नहीं करे तो सीधा तुम्हारा साथ धरने पे बैठ जाता हूँ, इतना मैं बोल सकता हूँ। देखो भाई ये देख देख के मेरे को भी बस हो गए, कितना साल अभी झेलना है समझ में नहीं आ रहा। अब जरा वहाँ पर भी विजिट करेंगे सर, चलो जाएंगे। इधर स्कूल को आने के लिए बोल रहे सर, वो लोग पूरी फैमिली के साथ स्कूल को आना बोले तो चुप नहीं है, उनको वहीं कहीं तो नजदीक कराओ बोल के बोल रहे हैं सर, वो लोग डिमांड कर रहे हैं वो लोग। मैं यही बोल रहा हूँ ना साहब, मैं आप लोग इतना सालों से जो इन लोग को सहन कर रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम हो रहा आप लोग सहन कर रहे हैं क्या, जान दे बोल के माफ कर रहे हैं कोई भी रहने दे, आप लोग सहन करने के क्या जरूरत है भाई। आप लोग कोई भी इधर चुप नहीं बैठे, सब लोग घर का आप लोग टैक्स दे रहे, चुप पुकट रोटी कोई नहीं खा रहा इधर, हाँ सब देख रहे आप आज का परिस्थिति क्या है, हाँ कौन सा सिस्टम है, गवर्नमेंट हाथ दिए सो साथ दिए सो, ये करो हमारा मांगे पूरा होने तक हम उठेंगे इच नहीं। अब पानी के लिए रोका ना, आगे हम लोग पूरा हमारा जितना भी ऐसे काम तुम लोग कर रहे हैं ये तुम लोग अगर सॉल्व नहीं करे बोले तो 100% हम उसका तोहिन करके ये रोड बंद करने का हम लोग आपके साथ रहकर काम करेंगे बोल के मैं इस संदर्भ में बोलता हूँ आपको। ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ರೀ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಾರೆ
ಶಂಬರ್ ಕಿಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಶಂಬರ್ ಕಿಟ್ ಅವಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಬಿಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಂದು ಯಾರೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಾವ್ರಿ ಏನು ಆಗ್ಯದಮ್ಮ ನೋಡಮ್ಮ ನಾ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆದು ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತದ ಕೈಲಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ